जान क्या हल्ला हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ पे? नीचे बैठो, तो को शोर निकलेगा जरा सा अभी। ये हंसना बंद कर। दीपक और माया खड़ो के मजा आया तुमको और मस्ती करोगे? बैठना है, बैठो। आयो, अगले सप्ताह से हमारे स्कूल में एक डांस का कंपटीशन है, तो हर क्लास के बच्चे उसमें हिस्सा लेंगे। तो तुम्हारे क्लास में कौन कौन लेगा? देखो बच्चों, अब उस कंपटीशन के लिए तुमको अपने घर से कुछ कपड़े लाने होंगे अच्छे अच्छे, वो लाके तुम स्कूल में दिखाना। क्या पहले आज अपन दे रहे हैं मुर्दम बचाओ, सबको मिलेगा। ए, क्या बात है? अम्मा ने मना किया था ना, गंदा पानी है। देखो ना, बर्फ तो शीशे के जैसी चमक रही है, कहाँ है गंदा पानी? तुम मेरे पेट में दर्द हो गया तो? अम्मा को सड़क पर बिकने वाली हर चीज गंदी लगती है ना, इसीलिए वो हमें डराती है। भैया पहले हमको दो वरना अम्मा आती होगी। ये लो पीडिया। राम होता भैया, इसको भी। कौन चलेगा भाई? क्या राम अवतार भैया, मेरी बारी थी ना, आपने उसको क्यों दे दिया? अरे दे रहे हैं हरदम, मत बचाओ। हमको नारंगी वाला। ये लो बेटा। ये क्या बात हुई, मेरी बेटिया कब से इंतजार दे रहे हैं? बचवा दे रहे हैं। राम अवतार भैया गलत बात है, इनकी अम्मा आने वाली है ना, इसलिए इनको पहले दे दिया। ये लो बच्चिया, एक तो आपके लिए बना दे। अपने काम से काम मतलब रखो आप। राम अवतार जैसा गोला पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। हाँ बिटिया खा लो खा लो, तो खा रही हो, बचवा को भी खिला रहे हो। तुम्हारी अम्मा आ गई ना यहाँ तो हमारा ठेला उठवा लेंगे यहाँ से। हाँ मैंने मना किया था ना चुस्की खाने से, मैंने इन्हें चुस्की देने से मना किया है ना राम अवतार। अब इस बार पेट दुखेगा ना तो रोना नहीं। पिताजी ने चॉकलेट खाने के पैसे दिए थे ना तुम्हें, तो फिर चलो छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, घर चलो। मुझसे छुटके वो भी। वो हमेशा बड़ी चक्के वाले कुर्सी पर क्यों बैठती है? कौन, नीना? अरे बुद्धू कही के उसे कुर्सी नहीं व्हील चेयर कहते हैं, उसके पैर खराब है। खराब मतलब? ऐसे नहीं बोलते। अम्मा हमें स्कूल में लहंगा ले जाना है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खादी भंडार से कपड़ा ले आऊंगी और आज ही सुंदर लहंगा बना दूंगी। अम्मा तो चलो खादी खरीदने। चुप कर, तेरी सारी शर्तें अम्मा को बता दूंगी। खेल रहा है? क्या शर्त? कि तू दूध नाली में फेंकता है ना? मैं नहीं फेंकता। झूठ मत बोलो, मैंने देखा है। नहीं मैं नहीं फेंकता। झूठ। समीर जल्दी इधर आओ। मैं नहीं पीऊंगा दूध। समीर इधर आओ।
दूसरा कपड़ा पहनेंगे तो गांधी जी को बुरा लगेगा। नहीं, जब तक कि कपड़ा स्वदेशी हो, लेकिन हम खादी पहनते हैं ना। मुझे भी दूसरी लड़कियों की तरह दिखना है। हाँ, तो मैं खादी भंडार से कपड़ा ले आऊंगी और आपके लिए एक सुंदर सा लहंगा बना दूंगी। कोई भी खादी नहीं पहनता। मुझे दूसरों से तुलना पसंद नहीं। मुझे नहीं करना डांस। सुशील, समय बदल रहा है। आजादी को मिले कितने साल बीत गए, और अब अगर हमारे बच्चे खादी के अलावा कोई और कपड़ा पहनना चाहे तो इसमें कोई हर्ज तो है नहीं। लेकिन हमने प्रण लिया था ना आजीवन खादी पहनने का। प्रण हमने लिया था, हमारे बच्चों ने तो नहीं। ऐसे तो खादी उद्योग ही बंद हो जाएगा। बात तो ठीक है तुम्हारी, खादी को अस्तित्व में बने रहने के लिए और कपड़ों की तरह आकर्षक होने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो नाचना भी नहीं आता है। पिताजी ने कहा है कि मैं मोर की तरह नाचती हूँ। क्या तुम मोर हो? मैं तुम्हें मोर लगती हूँ। कोमल। यस सर। आया। यस सर। रशीद। यस सर। तो यहाँ रखो। बेटा तुम्हारा लहंगा खो गया है, मिल नहीं रहा। कहाँ से लाऊं? नहीं, मुझे अपना लहंगा चाहिए। समय भी नहीं बचा है, नया लहंगा कहाँ से लाया अभी? और नहीं सर, मुझे अपना ही चाहिए। मेरा लहंगा बहुत सुंदर है, मेरे अम्मा ने दिया था। अरे प्रदीप, बेटा नीना, नीना बेटा, सिर्फ 10 मिनट के लिए तुम अपना लहंगा दोगी? मेरा लहंगा?
हाँ बेटा, क्या ना कि माया का लहंगा खो गया है। तो अगर तुम उसको अपना लहंगा दोगी तो वो नाच सकेगी।